अगर किसी मुआशरे में औरतें सही रास्ते पर आ जाएगी तो वो मुआशरा इस्लाह की राह पर आसानी के साथ गामजन हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान कौन लाया? सैयदा हजरत खदीजतुल कुबरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजरत खदीजा का हक अदा नहीं कर सकता हूं। अल्लाह के रसूल को संभाला। औरत वो होती है जो अपने घर को संभालती है, जो अपने घर को जन्नत का नमूना बनाती है। फातिमतुज़्ज़हरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, कैसी तरबियत की अपनी बेटियों की। फातिमा आती है और कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बच्चों को पालना भी पड़ता है, हसन हुसैन को साथ में खाना भी बनाना पड़ता है, घर में झाड़ू भी देना पड़ता है, आटा भी पीसना पड़ता है, हाथ में जख्म हो गए हैं, अगर आप किसी बादी का इंतज़ाम कर दो तो अच्छा रहेगा, घर में कोई कामवाली आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामवाली का इंतज़ाम नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी बेटी फातिमा, ये दुनिया है, इस दुनिया में ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी जाती है मशक्क़तों के साथ। कौन फातिमा? सैयदतु निसाई अहली जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार है और अपना सारा काम करती है। हमारे घर में औरत दो चार काम करेगी और उसके बाद क्या कहेगी कि सारे झमेले मुझे ही सर पर लेकर चलने हैं, सारे काम करती थी। हुजूर ने क्या कहा कि फातिमा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो, ये दुनिया व माफिया से बेहतर है। आई नौकरानी लेने के लिए और हुजूर ने जिक्र और विर्द लेकर भेज दिया।